ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और आज हम आप सभी को शारदीय नवरात्र स्पेशल राशिफल बता रहे हैं। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के लिए। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, क्या कहती है माँ शैलपुत्री आपके लिए? क्या इस वर्ष आपको भूमि, भवन, घर, वाहन, गाड़ी, घोड़े, बंगले का योग आपका बनता है या नहीं बनता है? तो तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, माता शैलपुत्री के आशीर्वाद से भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, इस तरह के सभी योग इस वर्ष अत्यंत प्रबल रूप से बने हुए हैं। किसी पानी के किनारे आपको घर मिल सकता है, नदी के किनारे घर मिल सकता है, स्विमिंग पूल के नजदीक मिल सकता है शहर के अंदर। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, मां शैलपुत्री आपके लिए क्या लेकर आई है? तो माता शैलपुत्री इस वर्ष कृषि योग्य भूमि, बड़ा फार्म हाउस या ऐसा कोई बड़ा घर, कोई बड़ा मकान जिसमें कच्ची जमीन शामिल हो, ऐसी जमीन इस साल आपके भाग्य में है, आप खरीद सकते हैं। धनु राशि की बात करते हैं, धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, माता शैलपुत्री आपके लिए अचल संपत्ति का योग बना रही है, घर बार बनेंगे और साल के अंत तक में नई गाड़ी भी मिल सकती है। पंडित जी, अंतिम तीन राशियों के बारे में जानने से पहले एक मेल ले लेते हैं। हमारे पास मेल प्राप्त हुआ था लोकेश योगी जी का जोबनेर से। इनके जन्म की तारीख है पंडित जी 16/8/87। उनके जन्म का समय है सुबह का 5:10 का। पंडित जी जानना चाहते हैं कि पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो कौन सा बिजनेस इनके लिए फायदेमंद होगा, और दूसरा प्रोडक्शन हाउस डालने का सोच रहे हैं तो क्या इन्हें डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, और अगर डालते हैं प्रोडक्शन हाउस तो किस अक्षर पर नाम रखना चाहिए इन्हें, वो जानना चाहते हैं। देखिए लोकेश, पहली बात तो यह है कि आपको राहु की 18 साल की महादशा चल रही है। राहु आपके भाग्य स्थान में है। यू आर नॉट पासिंग फ्रॉम गुड टाइमिंग। दिस इज नॉट राइट टाइम टू स्टार्ट द बिजनेस। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अगले कुछ समय तक आपको फ्लक्चुएट शंस का आपको सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। चंद्र गुरु का गज केसरी योग है, निश्चित तौर पे आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनेंगे, लेकिन उसका भी समय आएगा, समय से पहले कुछ नहीं होता है। जहाँ तक प्रोडक्शन हाउस का नाम का सवाल है, आपके लिए जो करेक्टर सूट करता है वो जयपुर वाला जे पे करता है। एस फॉर संदीप वाला जो एस है, जयपुर वाला जे है, इसके ऊपर आप अपना प्रोडक्शन हाउस डाल सकते हैं। सूर्य बुध बुध आदित्य योग है। राहु की शांति के लिए गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण करें और उसके साथ साथ में रविवार को भैरव जी महाराज के दर्शन करें। अगर प्रोडक्शन हाउस डालने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिए, अगले साल फरवरी मार्च के पश्चात में यदि आप शुरू करेंगे तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू। तो चलिए दर्शकों, भी आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अंतिम तीन राशियों के लिए कैसा रहने वाला है शारदीय नवरात्र इस बार, जो कि मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, माता शैलपुत्री इस बार आपके सपनों का घर आपको दिला सकती है, आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपके सपने पूरे होने जा रहे हैं। एडवांस में बधाई दे देता हूं मैं। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, इस साल अचल संपत्ति को बेचने का प्लान बन सकता है, आगे चलकर नया घर भी बसेगा, चिंता मत कीजिएगा। अंतिम जो राशि मीन राशि है, मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक है, आने वाले समय में अपने घर को रिनोवेट कराने का प्लान कर सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो चलिए दर्शकों, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आप सभी के लिए कि गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है। सितारे चाहे जो कहें, लेकिन माँ शैलपुत्री की कृपा आपके जीवन की, आपके लाइफ की कहानी को बदल सकती है। तो माता शैलपुत्री से कैसे पाएं घर बार, जायदाद, संपत्ति, वाहन, भवन, घर का सुख, आज जानेंगे कुछ ऐसे सिंपल रेमेडीज, कुछ सरल उपाय जिनको करने से मिलेगा आपको जमीन, जायदाद, गाड़ी, घोड़ा, बंगले का सुख।
तो भूमि और भवन बनाने के कुछ सरल उपाय। अगर आप अपना स्वयं का घर बनाना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, तो एक लाल कपड़े में, ध्यान से सुनिएगा, लाल कपड़े में 6 चुटकी कुमकुम, 6 लौंग, 9 बिंदिया, 9 मुट्ठी साफ मिट्टी और 6 कोड़िया लपेटकर बहते हुए पानी में आज के दिन ही विसर्जित कर दें, या नवरात्रि के नवमी के दिन विसर्जित कर दें। निश्चित तौर पर माता की कृपा से आपको जल्द ही अपना घर मिलेगा। एक मिट्टी की कोरी हांडी ले लीजिएगा, उसमें दूध, दही, घी, शक्कर, मिश्री, कपूर और शहद डालकर उस हांडी के आगे दुर्गा नवान मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप कर लीजिएगा और उस हांडी को किसी बहते हुए पानी के पास में ले जाके जमीन के अंदर गाड़ दें। माता की कृपा से आपको शीघ्र भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा। मनचाही जमीन या मकान पाने के लिए उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी लाकर एक कांच की शीशी में उसमें डाल दीजिए। गंगा जल और कपूर डालकर अपने पूजा में जौ के ढेर पर स्थापित कर दीजिए। नवरात्र के दिनों में उस शीशी के आगे नवान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का 5 माला का जाप करें। जौ में रोज गंगा जल डालें। नवमी के दिन थोड़े से अंकुरित जौ निकालकर ले जाकर मनचाही जगह पर डाल दीजिए। शेष सामग्री को नदी में डाल दीजिए। कांच की शीशी को नदी में नहीं डालना है। निश्चित तौर पर सरल और चमत्कारिक उपाय से आपको वो मनचाहा घर प्राप्त हो जाएगा। किसी पड़ोसी के साथ मत अजमा लीजिएगा। वही मनचाहा वाहन पाने का उपाय, एक सादा कागज अपने पूजा स्थल पर लगा दीजिएगा। उस सादे कागज में अपनी मनचाही गाड़ी की कल्पना करते हुए 5 माला नवान मंत्र के उस कागज के सामने बैठकर रोज पढ़े, जबकि अंत में 6 लौंग, 1 टुकड़ा कपूर माँ दुर्गा के समक्ष जला दीजिए। नवमी के दिन वो कागज ले जाकर माता के मंदिर में चढ़ा दीजिए। माता की कृपा से आपको जल्द ही मर्सिडीज गाड़ी मिलेगी। बच कूट अगर तगर मातृलिंगी और सप्तमृत्तिका को छान कर कूट कर शहद और घी में घोल ले। भोज पत्र अनार की कलम से गाड़ी का नाम लिखकर उसके आगे नित्य 5 माला नवान मंत्र पढ़ते रहिए। नवे दिन ये भोज पत्र 5 गुड़हल फूलों के साथ माता को अर्पण कर दें। निश्चित तौर पर इतने धन की व्यवस्था हो जाएगी कि मनचाही गाड़ी को आप खरीद सकते हैं। तो मेरे साथ बोलिए, प्रेम से बोलिए जय माता की, बोलिए सच्चे दरबार की जय। सच्ची ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय माता शैलपुत्री। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आप सभी को काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का नवरात्रि का प्रथम दिन मंगल में हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं, तो आप सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी समस्याओं के आसान से हल। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।